नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी की परीक्षा में स्टेज टू की जो परीक्षा होगी, जो कि एक कंप्यूटर टाइप टेस्ट है, उसमें हिंदी में किस फॉन्ट का प्रयोग होगा। सबसे पहले मैं शुरू करूँ तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि 12 नवम्बर 2017 को क्लरिकल कैडर ग्रुप सी के लिए जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए एक संयुक्त परीक्षा का आयोजन हो चुका है, जिसमें कुल मिला के 1786 पद थे। सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये पूरा जो सिलेक्शन होगा वो दो प्रोसेस से संपन्न होगा। पहला जो स्टेज था, स्टेज वन में एक परीक्षा थी रिटर्न वाली, वो आप दे चुके हैं 12 नवंबर को, जिसकी आंसर की भी आ चुकी है। अब इसमें इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद लगभग एक महीने के बाद टाइपिंग होती है, और ये जो टाइपिंग होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आपको क्वालिफाई भी करना होगा। हिंदी की जो टाइपिंग होगी उसमें आपको सॉफ्टवेयर पर 50 शब्दों का एक पैराग्राफ मिलेगा, जिसे आपको पूरा करना होगा 10 मिनट में। अंग्रेजी के लिए भी आपको 300 शब्दों का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसे आपको पूरा करना होगा 10 मिनट में। यानी कि हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की अपेक्षा आपसे रखी जाती है। मंगल फॉन्ट यूज होगा हिंदी की टाइपिंग के लिए, लेकिन इसका सब जो फॉन्ट था वो उसके बारे में पता नहीं था। इससे संबंधित एक सूचना जो है इस समय वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर लगा दी गई है, और अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि राइट साइड में अदर हेडलाइंस के तहत आपको कीबोर्ड लेआउट इन्फॉर्मेशन फॉर स्टेनोग्राफर ग्रुप थर्ड पोस्ट एंड कंप्यूटर टाइप टेस्ट स्टेज सेकेंड फॉर ग्रुप सी क्लरिकल कैडर पोस्ट फॉर यूपी सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्वायरमेंट 2016 एंड 2017 पीडीएफ आपको यहाँ पर शो होता है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और इसमें जो लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद नोटिस द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2016 एंड 2017, और यहाँ पे बताया गया है कि हिंदी कंप्यूटर टाइप टेस्ट मंगल फॉन्ट विल बी यूज्ड, यानी कि मंगल फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा हिंदी कंप्यूटर टाइप टेस्ट में, और तीन ऑप्शंस जो होंगे वो कीबोर्ड लेआउट्स पर अवेलेबल होंगे। वो ऑप्शंस कौन कौन से होंगे ये आप देख सकते हैं, मंगल इंस्क्रिप्ट, मंगल रेमिंगटन गेल और मंगल देवनागरी। तो मतलब ये तीनों ही फॉन्ट आपके अवेलेबल होंगे कीबोर्ड पर, और इनमें से किसी का भी चुनाव आप कर सकते हैं। तो अब देखिए, परीक्षा तो हो चुकी है स्टेज वन की, रिजल्ट जो थोड़ा सा अवेटेड है अभी तो आया नहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि अगले दो महीने से का वक्त है आपके पास। इस दो महीने में आपको अपनी टाइपिंग सुधार लेनी है, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी, अगर आप अपना अंतिम चयन चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, अंतिम चयन जो होगा वो देखिए हिंदी में और अंग्रेजी में जो ये कंप्यूटर टाइप टेस्ट होगा ये 25-25 नंबर का होगा, जैसा कि विज्ञप्ति में बताया गया है। स्टेज वन की परीक्षा जो हुई थी वो 100 नंबर की थी, और इस 100 नंबर में जितने अंक आपने प्राप्त किए होंगे ये अंक प्लस हिंदी कंप्यूटर टाइप टेस्ट का 25 नंबर और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइप टेस्ट का 25 नंबर, यानी कि टाइपिंग के कुल 50 नंबर टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो 150 नंबर के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, और वही आपका मतलब उसी के आधार पर आपको नियुक्ति दी जाएगी, आपका चयन किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका होगा सिलेक्शन का। द सिलेक्शन कमेटी हैज डिस्क्रिशन टू फिक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी आर ऑल पार्ट्स ऑफ पेपर्स फॉर स्टेज वन ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन एंड स्टेज टू हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर टाइप टेस्ट। देखिए, इसमें जो हिंदी और अंग्रेजी का जो कंप्यूटर टाइप टेस्ट होगा ये 25-25 नंबर का होगा, तो इसमें आपको मिनिमम जब आप टाइपिंग करते हैं तो उसी के आधार पे आपके अंक घटेंगे और बढ़ेंगे, यानी कि आपकी एक्यूरेसी का लेवल निर्धारित करेगा कि आपको कितने अंक प्राप्त होते हैं। तो जब आप टाइपिंग कीजिएगा तो अपनी एक्यूरेसी का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ही आपको अंक प्राप्त होंगे। तो फिलहाल फाइनल वर्ड मैं आपको एक लाइन में और बोलना चाहता हूँ कि हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट पे होनी है, ठीक है, और मंगल फॉन्ट में कोई भी फॉन्ट आप चुन सकते हैं, इंस्क्रिप्ट, रेमिंगटन गेल या देवनागरी। तो स्टेज टू की परीक्षा में शामिल होने जा रहे कंप्यूटर टाइप टेस्ट देने वाले अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं।
वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हों अच्छे अंकों से और उनकी नौकरी लगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को मैं इस बार इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तो पहुँचाने के लिए कृपया से शेयर भी कर दीजिएगा।